आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बैडमिंटन से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थॉमस कप और ऊबर कप की, जो कि इस साल 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक डेनमार्क में खेले जाने वाले हैं। तो इन टूर्नामेंट्स के लिए जो ड्रॉज है वो सामने आ चुके हैं और उन्हीं को लेकर हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम्स आप सभी को कौन कौन से ग्रुप्स में खेलती हुई दिखाई देने वाली है, साथ ही बाकी और चैलेंजिंग टीम्स आप सभी को कौन से ग्रुप में नजर आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थॉमस कप और ऊबर कप में क्या डिफरेंस है, वो पहले क्लियर कर देते हैं। जो थॉमस कप है वो एक ऑफिशियल वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है फॉर मेन। वहीं अगर ऊबर कप की बात करते हैं तो वो एक ऑफिशियल वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है फॉर वुमेन। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं कि भारतीय, सबसे पहले बात करते हैं थॉमस कप की, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि भारतीय मेन्स बैडमिंटन टीम कौन से ग्रुप में आप सभी को नजर आने वाली है। तो ग्रुप की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी में आप सभी को भारतीय टीम दिखाई देंगी, लेकिन हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टफ भारतीय टीम को एक ग्रुप मिला है, क्योंकि इसमें भारत के अलावा आप सभी को डिफेंडिंग चैंपियन चाइना नजर आएंगी। वहीं उसके अलावा नीदरलैंड्स और त्रिहति आप सभी को दिखाई देने वाली है। वहीं अगर बात करते हैं ऊबर कप की, तो ऊबर कप में भारतीय वुमेन्स बैडमिंटन टीम को थोड़ा कंपैरेटिवली मेन्स टीम से इजी ग्रुपिंग मिली है, इजी ड्रॉज मिले हैं। भारतीय वुमेन्स टीम को ग्रुप बी में जगह मिली है, जहां भारत के अलावा आप सभी को लास्ट एडिशन के रनर अप यानी कि थाईलैंड, उसके अलावा स्पेन और स्कॉटलैंड आप सभी को ग्रुप बी में दिखाई देने वाले हैं। तो थॉमस कप और ऊबर कप के लिए अभी कुछ ही दिन पहले BWF ने ड्रॉ सेरेमनी की, जिसमें सारे ग्रुप्स सामने आ चुके हैं और उसी के बारे में आप सभी के साथ बात भी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं कि भारतीय टीम्स के, भारतीय शटलर्स के अब तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसा सफर रहा है थॉमस और ऊबर कप्स के सभी एडिशंस में। तो भारतीय मेंस और वुमेन्स टीम 2018 एडिशन, जो कि आखिरी एडिशन था जो पहले खेला गया था, अभी इससे पहले 2018 में दोनों ही टीम्स नॉकआउट स्टेज में जाने में नाकामयाब रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसका पैटर्न इस तरीके से रहता है कुछ कि ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद, उसके सारे मैचेस ओवर होने के बाद, जो भी टॉप की टू टीम्स होती है वही नॉकआउट राउंड्स में, नॉकआउट स्टेजेस में आगे बढ़ पाती है और उसके बाद ही सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की टीम भी डिसाइड होगी। लेकिन 2018 एडिशन में भारत की ना तो मेंस टीम और ना ही वुमेन्स टीम नॉकआउट राउंड में जाने में कामयाब रही थी, जिसके कारण 2018 में भारत के खाते में कोई भी मेडल नहीं आया था। वहीं अगर बात करते हैं 2016 एडिशन की, तो उसमें ऊबर कप के 2016 एडिशन में भारतीय वुमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, क्योंकि सेमीफाइनल्स स्टेज में भारत को चाइना से भिड़ना था, जहां पे भारत को हार का सामना करना पड़ा और ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्टि करनी पड़ी। उसके अलावा अगर 2014 न्यू दिल्ली एडिशन की बात करते हैं, तो उसमें भी भारतीय वुमेन्स टीम को ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पे भी सेमीफाइनल स्टेज में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये तो थी अब तक के सारे सफर की बात, जिसमें सामने ये आया है कि अब तक थॉमस कप में भारतीय मेंस टीम कोई भी मेडल अपने नाम नहीं कर पाई है, लेकिन ऊबर कप में भारतीय वुमेन्स टीम ने अब तक दो एडिशंस में यानी कि 2016 और 2014 में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हुए हैं। अब नजर डालते हैं हम होस्ट टीम के ऊपर, जो कि है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने 2018 एडिशन में थॉमस कप की ट्रॉफी अपने नाम की हुई है, लेकिन इस साल 2021 में उन्हें काफी चैलेंजिंग ग्रुप में जगह मिली है। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क आप सभी को ग्रुप बी में नजर आने वाली है, जिसमें डेनमार्क के अलावा आप सभी को कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की टीम्स दिखाई देंगी, जो कि दिखने में काफी चैलेंजिंग और स्ट्रॉन्ग ग्रुप दिख रहा है। तो यानी कि इस ग्रुप में काफी करीबी मुकाबले आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की, जो कि थॉमस कप को 13 बार जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 13 बार, जो कि एक अब तक का रिकॉर्ड है। 13 टाइम से ज्यादा कोई भी टीम ये जो कप है वो अपने नाम नहीं कर पाई है।
और इंडोनेशिया की टीम को इस साल ग्रुप ए में जगह मिली है। वहीं बात कर लेते हैं लास्ट एडिशन के रनर्स अप की, जो कि थी जापान, उनको ग्रुप डी में स्थान मिला है। तो ये तो थी थॉमस कप की बात, अब नजर डाल लेते हैं ऊबर कप की टीम्स के ग्रुपिंग्स की। और सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन जो कि थी जापान, और उनको इस साल ग्रुप ए में जगह मिली है। वहीं बात करते हैं चाइना की, चाइना जिन्होंने ऊबर कप को 14 बार अपने नाम किया हुआ है, और केवल पिछले एडिशन में यानी कि 2018 में पहली बार हुआ था कि चाइना फाइनल्स में जगह बनाने में नाकामयाब रही थी, जब से वो उन्होंने ऊबर कप को खेलना शुरू किया है, यानी कि 1980 से पहली बार हुआ था ऐसा कि भारत जो चाइना टीम है वो 2018 में फाइनल्स में जगह नहीं बना पाई थी। और इस साल आप सभी को चाइना की टीम ग्रुप डी में दिखाई देने वाली है। वहीं उसके अलावा बात करते हैं इस इवेंट की, तो ये इवेंट काफ़ी बार रीशेड्यूल हुआ है। ओरिजिनली ये जो इवेंट है यानी कि थॉमस और ऊबर कप, वो पिछले साल 16 मई से 24 मई तक होने वाला था, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये रीशेड्यूल हुआ, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, और आखिरकार अब फाइनली आप सभी को ये दोनों टूर्नामेंट्स डेनमार्क में होते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है। वहीं इससे पहले आप सभी तैयार हो जाइएगा सुदीर्मन कप के लिए भी, जो कि फिनलैंड में होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले हैं। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बिग नेम बिग टूर्नामेंट्स आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम्स की इन टूर्नामेंट्स के लिए, तो अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रोबेबली नेक्स्ट वीक सिलेक्शन ट्रायल्स करेगी, जिसके बाद पूरी की पूरी टीम फाइनलाइज होने के बाद ये स्टेटमेंट रिलीज कर दी जाए। होप सो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक ये पूरा जो टीम्स का है वो सामने आ जाएगा, जिसको लेकर हम आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे, आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। वहीं अगर बात करते हैं सुदीर्मन कप की, तो उसमें भी अभी कुछ 9 बैडमिंटन मेंबर्स ही सामने आए हैं, जो कि फिक्स है, वो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है। बाकी उनके भी अभी फुल टीम मेंबर्स सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए ट्रायल्स होने हैं। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स, जिसमें मैं आप सभी को बता दिया है थॉमस और ऊबर कप के बारे में कि कौन से ड्रॉज में भारत को जगह मिली है, साथ ही आप सभी कब से इस टूर्नामेंट को इंजॉय कर पाएंगे। सो हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का जो थॉमस और ऊबर कप है वो भारत के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट रहे, अब तक का सबसे बेहतरीन एडिशन रहे। तो चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।